हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू और फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखना है हमने यहाँ पे क्या होता है। ए पार्ट है ऑल एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप्स। सारे एनिमल्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स मैंने आपको बताया होगा, ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, जैसे प्लांट्स एनिमल्स। ये डिपेंड करते हैं किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। तो सारे एनिमल जो है वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। बी, लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर इज़ कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। मैंने आपको बताया है बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो उनको हम बोलते हैं बायोटिक, और एबायोटिक होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे लाइट नॉन लिविंग थिंग है, टेम्परेचर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इसका आएगा ट्रू। सी, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, वो एनिमल जो जिनका हैबिटेट लैंड पे होता है, ज़मीन पे होता है। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। वाटर में रहने वालों को हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। डी, हैबिटेट इज़ द हैबिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नहीं, इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि हैबिटेट में हमेशा क्या होता है, लिविंग थिंग्स ही आती हैं। ई, क्रोकोडाइल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन होते हैं स्मॉल वर्टिब्रेट एनिमल्स, जो कि जिनको हमेशा पानी की ज़रूरत रहती है, ताकि वो उनकी बॉडी मॉइस्ट रहे, मॉइस्चर रहे उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो ज़िंदा रह पाते हैं। तो क्रोकोडाइल भी मोस्टली पानी में ही होता है, तो क्रोकोडाइल एम्फीबियन का एग्ज़ाम्पल है। तो इसका आएगा ट्रू। जैसे फिश हो गया, फ्रॉग्स है, टोड्स है, ये सारे क्या, पानी में रहते हैं, इनको मॉइस्ट रहने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये ज़िंदा रह सके। तो क्रोकोडाइल की जगह फ्रॉग अगर होता तो फ्रॉग में भी ये सेंटेंस ट्रू होता। सेकंड है, हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट रहते हैं। तो आपको पता है कि जो एनिमल्स है वो प्लांट्स पे इसलिए डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो कि उनको फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो वो हम ह्यूमन बीइंग्स भी और एनिमल्स भी यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और जो एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स जो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन प्रोसेस में, वो यूज़ करता है प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो आंसर हम लिखेंगे इसमें, ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, और आएगा इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये दोनों एक दूसरे पे इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। क्यों? प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस इन फोटोसिंथेसिस विच इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स। प्लांट्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस में, जो कि एनिमल्स यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन रेस्पिरेशन विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स। तो एनिमल्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह प्लांट्स और एनिमल जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। व्हाट इज़ एडाप्टेशन, मैंने आपको बताया एडाप्टेशन क्या होता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट हैव डेवलप्ड सर्टन फीचर्स विच मेक इट सूटेबल टू लिव इन पर्टिकुलर हैबिटेट, दिस इज़ कॉल्ड एडाप्टेशन। तो प्लांट्स एंड एनिमल जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, वो वहाँ के सराउंडिंग्स, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को डाल लेते हैं, जिसके जो उनको हेल्प करता है उस सिचुएशन, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। जैसे कैक्टस प्लांट है, वो अपने आप को अडाप्ट कर लेता है एक डेजर्ट में रहने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी देर तक अपने अंदर पानी स्टोर कर सकता है। कैमल्स रहते हैं डेजर्ट में, वहाँ पानी की कमी होती है, तो वो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें।
फोर्थ है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट की इम्पोर्टेंस क्या है? ए पार्ट आंसर आएगा इसका इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिटेट्स। ए प्रोवाइड प्लेस फॉर ऑर्गेनिजम्स कैन स्टे एंड रेस्ट। ये हमें प्रोवाइड करता है वो प्लेस जहाँ हम आराम कर सकें रह सकें। प्रोवाइड सफिशेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोवाइड प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड रेयरिंग, ब्रीडिंग और रेयरिंग के लिए प्लेस मिलती है। मेक्स रिक्वायर्ड फूड अवेलेबल, और जो खाने की ज़रूरत होती है वो हमेशा अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एज बायोटिक एंड एबायोटिक। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें से आपको चूज़ करना है, टिक करना है जो बायोटिक फैक्टर है और जो एबायोटिक फैक्टर है। लिखना है उसके सामने हमको, जैसे ए प्लांट्स, इसके सामने हमने लिखना है ये बायोटिक है या एबायोटिक है। ऐसे ही बैक्टीरिया, सनलाइट और फंजाई के सामने। तो ये क्वेश्चन फिफ्थ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मैंने आपको बताया बायोटिक थोड़ी देर पहले भी, इससे पहले क्लासेस में भी आपको मैंने बताया बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। तो क्वेश्चन फिफ्थ आप करो और बाकी सारे क्वेश्चंस भी देखो जो मैंने बताया आपको आज। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा या आपको याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था, हैबिटेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।